तालिबानी नेता शेख अब्दुल हमीद हमासी ने काबुल कारोबारी समुदाय से मुलाकात की है। उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया है। हमास ने व्यापारियों से देश नहीं छोड़ने का आग्रह किया है और आश्वासन दिया है कि विदेशी व्यापारियों को भी देश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो तालिबान ने व्यापारियों से देश न छोड़ने का आग्रह किया है, एक नया रुख दिखाने की कोशिश तालिबानियों की तरफ से। तालिबानी नेता शेख अब्दुल हमीद हमासी ने कारोबारियों से मुलाकात की है और कहा है कि जो विदेशी व्यापारी हैं उनको भी निवेश करने का पूरा मौका मिलेगा, आमंत्रित किया जाएगा, देश ना छोड़े। लेकिन क्योंकि भय का माहौल है और इसी भय के चलते हुए दुनिया भर के जो कारोबारी हैं वो अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। और अंकित गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, हिंडन एयरबेस पर अंकित गुप्ता मौजूद हैं। अंकित गुप्ता, एक तरफ तो तालिबान अपनी अलग तस्वीर पेश कर रहा है दुनिया के सामने, व्यापारियों से मुलाकात कर रहा है, लेकिन हम भारतीयों के लिए बहुत अहम हो जाता है कि जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं वो सही सलामत पहुंचे। और एक जो प्लेन आज लैंड भी करने वाला है जो लगभग 150 भारतीयों को लेकर आ रहा है, क्या विलम्ब है? बिल्कुल, तालिबान दिखा भले कुछ रहा हो लेकिन क्या उस पर भरोसा करना है या नहीं करना है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इसकी तस्वीरें अभी हमको जो तालिबान से जो भी तस्वीरें आ रही हैं, जो अफगानिस्तान से आ रही हैं तालिबान की हरकतों की, वो भी वो अपने आप में सवाल उठा रही हैं। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, हमारे जो भारतीय फंसे हुए थे उनको भारत सरकार लेकर आई है और क्योंकि भारत के वो जो नागरिक हैं वो पहुंचने वाले हैं हिंडन एयरबेस पर, लिहाजा एबीपी न्यूज़ के हम जो है पूरी कोशिश करेंगे कि उनका जो दर्द है, उनके सामने जो चुनौतियां रही हैं वो आपको दिखा सकें। हमारे सहयोगी अभिषेक भी, अभिषेक रावत यहां पर मौजूद हैं, सहयोगी अंजलि मौजूद है और हम तीनों कोशिश करेंगे हर एक पहलू बताने की, उन लोगों से बात करके कि किस तरीके की दिक्कतें आई हैं। अंजलि, आपने अफगान जो है जो वहाँ जो नेशनल थे उनसे भी अभी हमने देखा कुछ देर पहले बात की है, तो वो लोग जो दर्द बयां कर रहे हैं निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती रही है सरकार के लिए भी इनको यहाँ तक लाना। जाहिर तौर पर जिस तरह की चुनौतियां, खासकर महिलाओं की अगर बात करें, जैसी चुनौतियां उन्होंने झेली हैं, जिस तरह का तालिबान का रवैया उन्होंने देखा है उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं, खासकर वहां की महिलाओं के लिए। सुरक्षा कैसी होगी, तालिबान अभी तो दावा कर रहा है कि वो सबके सहयोग के साथ चलना चाहता है, लेकिन किस तरह की चुनौतियाँ होंगी ये कुछ समय बाद ही जानने को मिलेगा। और ऐसे में जैसा कि अभी हम इंडियन एयरबेस के बाहर खड़े हैं तो यहाँ पर अब परिवार वाले पहुँच रहे हैं, कनिका गुप्ता जो एक जर्नलिस्ट पहुँच रही है उनकी माँ से हमने बात की, तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जो वहाँ फंसे हुए थे उनके रिलेटिव जो आज आने वाले उनके चेहरों पर संतोष जो है वो साफ देखने को मिल रहा है। महिलाओं का आपने जिक्र किया है तो अफगान की जो महिलाएं हैं वो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा चिंतित है क्योंकि पिछली बार जो तालिबान वहाँ था उसने उनका जो है उन महिलाओं ने उसका वो क्रूरतम रूप भी देखा हुआ है। और इसी वजह से जब भी हम बात भी करते हैं तालिबानी सदा की बात करते हैं क्योंकि तालिबान महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा क्रूर रहा है। बिल्कुल, देखिए आज कुछ अफगानी जो शरणार्थी महिलाएं हैं उनसे मैंने बात की और उनमें कुछ महिलाएं ऐसी थी जो तालिबान के शासन के समय अफगानिस्तान में मौजूद थी, उनकी बेटियां थी और इस डर से वो लोग वहां पर आए। जो उन्होंने रवैया तालिबान का, जो कट्टरपंथ उन्होंने वहां पर देखा है कि किस तरह से महिलाओं को दस्ताने और मोजे पहनने पड़ते थे, अगर आपके नाखून भी दिख जाए तो आपको बेंत से मारा जाता था, सड़क पर मारपीट की जाती थी महिलाओं के साथ। तो ये वो डर है, ये वो खौफ है जो वहाँ के शरणार्थियों में आज भी है। तो जरा सोचिए वहाँ फंसे हैं उनके अंदर क्या भावना। और इसी वजह से सवाल हो रहा है कि क्या इस तालिबान का जो अपना एक बदला हुआ चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहा है उस पर विश्वास किया जा सकता है? अंकित, क्या वहाँ पर जो तमाम लोग आज पहुँचने वाले हैं उनके नाती रिश्तेदारों को आप देख रहे हैं, क्या वहाँ पर अच्छी खासी भीड़ भाड़ है? और यहाँ से जब वो भारतीय नागरिक यहाँ लैंड करेंगे उसके बाद उनको कहाँ ले जाया जाएगा, कुछ आपको जानकारी सूचना कोई? शोभना, फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये है क्योंकि उसमें बड़ी संख्या में आईटीबीपी के जवान हैं, लिहाजा जो आईटीबीपी के जो है एक दो बसेस जो है वो अंदर गई हैं और उनको एक साथ निकाला जा सकता है। लेकिन उसके अलावा भी जिस बात का जिक्र कर रही थी अंजलि कि एक जो है कनिका है फ्रीलांस जर्नलिस्ट है, उसके अलावा कुछ और लोग हैं, लिहाजा कोशिश ये की जाएगी कि जो बाकी जो नागरिक है, आम नागरिक है, उनको यहाँ पर से जो है वो जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये भी, एक यहाँ पर पेचीदगी सवाल भी ये है कि इमिग्रेशन प्रोसेस भी एक होता है, तो क्या जामनगर में वो इमिग्रेशन प्रोसेस पूरा कर लिया गया है और उसके बाद में जब यहाँ पर लैंड होंगे तो सीधे घर जा पाएंगे? कुछ सवाल ज़रूर है, लेकिन अब जैसे यहाँ फ्लाइट लैंड होगी तस्वीर साफ होनी शुरू होगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।